हेलो यार दोस्तों, मैं हूँ सानी तिवारी और आज टॉपोलॉजी में हमारा टॉपिक है टी टू स्पेस की इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ हॉस्ट ऑफ स्पेस हैज अ यूनिक लिमिट। हॉस्ट ऑफ स्पेस और टी टू स्पेस दोनों सेम है, हॉस्ट ऑफ स्पेस बोलो या टी टू स्पेस बोलो, हमें दिखाना है कि कन्वर्जेंट सिक्वेंस अगर हम हॉस्ट ऑफ स्पेस में लेते हैं तो उसकी यूनिक लिमिट होती है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है कि हॉस्ट ऑफ स्पेस है, तो लेट हमने एच टी कोई हॉस्ट ऑफ स्पेस ले लिया या फिर टी टू स्पेस ले लिया। ठीक है, एंड और हमें क्या दिया है, कन्वर्जेंट सिक्वेंस इन हॉस्ट ऑफ स्पेस, यानी कन्वर्जेंट सिक्वेंस भी है। लेट एक्स एंड वी आर कन्वर्जेंट सिक्वेंस। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हैज अ यूनिक लिमिट, यानी कि एक्स एन हैज अ यूनिक लिमिट। टू प्रूव दैट कि सीक्वेंस एक्स एन हैज अ यूनिक लिमिट। ठीक है, यूनिक लिमिट हमें ये शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हम इसमें अब क्या कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। सपोज कि एक्स एन कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसने कहा यूनिक, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम दो मतलब दो पॉइंट पर ये कन्वर्ज करता है। सपोज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए x y और सपोज कर लिया कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो दो पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है कि यूनिक लिमिट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास स्पेस कौन सा है, हॉस्ट ऑफ स्पेस। हॉस्ट ऑफ स्पेस एंड टी टू स्पेस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसी डेफिनेशन का हम यूज करने वाले हैं। अब क्या हमारे पास हॉस्ट ऑफ स्पेस है यानी टी टू स्पेस है, हम उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। सिंस एक्स इज टी टू स्पेस देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स जी एंड एच सच दैट एक्स बिलोंग टू जी वाई बिलोंग टू एच एंड G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5। ये होती है टी टू स्पेस और हॉस्ट ऑफ स्पेस की डेफिनेशन। क्या कि हमें X हॉस्ट ऑफ स्पेस दिया है यानी टी टू स्पेस दिया है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स G एंड H सच दैट कि जो हमने X बाई टू डिस्टेंट पॉइंट लिए हैं, X बिलोंग टू G, Y बिलोंग टू H एंड जो G H हमने टू सेट्स लिए हैं ओपन सेट, वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है, उनका इंटरसेक्शन 5 है। ये हमारा क्लियर है, ये डेफिनेशन से क्लियर है। अब हमने क्या लिया है, एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया है और लिया है कि वो कन्वर्ज करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज करने वाला है। सिंस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, ठीक है, सिंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स देयर एग्जिस्ट n not belong to n such that n greater than equal n not। ये हम क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से लिख रहे हैं कि अगर वो x को कन्वर्ज करता है there exists n not belong to natural number such that कि n greater than equal to होगा n not से, implies एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है x में और x किस में है, g में, x n किस में जाएगा, g में। ठीक है, सिमिलरली हम कन्वर्जेंस टू y के लिए करेंगे। Now, अब सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू वाई देयर एग्जिस्ट एम नॉट बिलोंग टू एन सच दैट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट एक्स एन बिलोंग टू एच। x
एक्स एंड अब कन्वर्स कर रहा है बाई को, हमने क्या लिया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लिया था, एक्स के लिए हमने दिखा दिया बाई के लिए कन्वर्स अगर बाई कर रहा है देयर दिस एम नॉट बिलोंग टू एन सच दैट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट एक्स एन बिलोंग टू एच, क्योंकि बाई कहाँ है एच में है राइट। अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो एन नॉट और एम नॉट दोनों से लार्ज होगा, तो लेट एम बी एनी इंटीजर larger than n naught and m naught, then xm must be in g and h both, ठीक है क्या? अगर हम कोई m ऐसा integer ले लें जो n naught और m naught दोनों से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो xm होगा सीक्वेंस xm वो g और h दोनों में आएगा राइट। और हमने क्या, अगर वो दोनों में आएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन हो गया, कैसे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू 5। ये हमने हॉसडॉर्फ स्पेस की डेफिनेशन से लिया था कि दोनों डिसजॉइंट है, और यहाँ पे आ रहा है कि xm दोनों में आएगा, इसका मतलब है इससे ये आ रहा है कि ये डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इसको, और ये तो T2 स्पेस की डेफिनेशन से क्लियर है कि डिसजॉइंट होना चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे, हेंस कंट्राडिक्शन आ गया, तो हेंस एवरी कन्वर्जेंट every convergent sequence in T2 space has unique limit, okay proof friends। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।